हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ रिपब्लिक डे पे आप इस तरह की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं जो टिकटॉक पे फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, मदद से आपको लाइक एंड व्यूज काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। तो इसके लिए करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो के लिंक दे रखे हैं, वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह से शूट किया गया। तो वीडियो आप पहले मैं दिखा देता हूँ। वीडियो पे आपको करना क्या है, वीडियो को आपको क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना, स्ट्राइक आइडियो कर देना। इससे क्या होगा, वीडियो में जो आइडियो है आपको बाहर आ जाएगा। वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सनी देओल का आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, 3.4 पे आना है, वीडियो कलर पे क्लिक करना है, कैचिंग निशान पे क्लिक करना है, स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। वीडियो का एक तरफ प्ले कराना है, वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फिर से स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। इसके बाद सेकेंड पार्ट का वीडियो जो भी आएगा फिर से यहाँ पे सनी देओल जो आता है जो पार्ट पे आपको स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। स्पीड 2 प्ले हिट कर देते हैं, वीडियो कलर पर क्लिक करना है, फिर से हमें स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। आपका वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया गया है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट वाले पार्ट को आपको डिलीट कर देना है, मीडिया पे आना है, आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। शूट करने के बाद वीडियो में जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले इसे हमें रोटेट कर लेना है, हो रहा है। वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो को यहाँ पे हमें ज़्यादा सेकेंड का चाहिए नहीं। वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग के निशान पे क्लिक करेंगे, स्पीड 2 प्ले हिट कर देंगे। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे हमें थर्ड पार्ट पे लेकर आ जाना है। इस पर क्लिक करते हैं, इसे हम लास्ट तक लेकर आते हैं। तो हमारा वीडियो फर्स्ट पार्ट वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको इसे हमें डिलीट करना है और यहाँ पर आपका वीडियो लेकर आना है। तो कुछ है, मैंने कुछ इस तरह से एडिटिंग किया था, तो आपको भी कुछ इस तरह से ही कर लेना है। वीडियो पर क्लिक करेंगे, स्पीड 2 प्ले हिट करेंगे और यहाँ के इस वीडियो को हमें प्रेस करेंगे, इसे हमें लास्ट तक इस तरह से लेकर आ जाना है। इस वीडियो को हम अपने को डिलीट कर देना है। तो देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट वीडियो कुछ इस तरह से शूट देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद इस वीडियो को फिर से हमें डिलीट करना है, इस पर क्लिक करेंगे, इसे हमें लास्ट तक लेकर आ जाना है कुछ इस तरह से। इसके बाद इसमें जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को हमें रिमूव कर देना है, ट्रिम टू राइट कर देते हैं। तब देखिए तो वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल गया। इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। मैंने यहाँ से डाउनलोड कर रखा हूँ, तो सबसे पहले पाकिस्तान झंडे को कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट आपको कर लेना है ऊपर की तरह। ब्लेंडिंग पे आना है, यहाँ पे आपको मल्टीप्ले कर देना है और ओवर ओपिसिटी को कम कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसके बाद एक्स्ट्रा जो पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसके बाद सेकेंड वाले वीडियो में फिर से क्या करना है, इसे आप इस पर फिर से भी हमें यहाँ तक रहने देना है सेकेंड पार्ट तक का, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, थर्ड में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेकर आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद आपको इंडियन झंडे को लेकर आना है और इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको सही से एडजस्ट आपको करना है कुछ इस तरह से। इसके बाद ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ पे आपको मल्टीप्ले कर देना है और यहाँ पे ऑपोसिटी को कम कर देना है कुछ इस तरह से। इसके बाद डन करना है, देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। जैसा कि आपको पता है रिपब्लिक डे आने वाला, अगर यदि आप इस टाइप के वीडियो बनाते हैं तो आपको वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकता है। इसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पर क्लिक करना है। इस और यहाँ पे आपको HD 720p 1080 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलन चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।